मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि डेरी यानी कि डेरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं दूध से बना हुआ मटेरियल, यानी कि जैसे कि मान लिया दूध हो, मिठाई हो, आइसक्रीम हो, जो अपने जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में से मेरे एक सुधा डेयरी है, गंगा डेयरी है, अमृत डेयरी, जैसे कि इंडिया बिहार में मेरे, और दिल्ली में हरियाणा में जैसे कि गंगा डेयरी, मदर डेयरी है, ये सब डेयरी है। ठीक सऊदी अरब में मैं तीन कंपनी का जो नाम लेने जा रहा हूँ, पहले नंबर पे सऊदी मिल्क, ठीक, दूसरे नंबर पे अलमराई, तीसरे नंबर पे नादा। ये तीन कंपनी है, ये तीन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो जो आने वीडियो में जो बता रहा हूँ कि तीन कंपनी वाले जॉब करके कितने पैसे अर्निंग कर सकते हो, और इसमें क्या क्या जॉब से रिक्वायरमेंट आती है और रिक्वायरमेंट कहाँ जाती है, पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। पहले पहले मैं बात करते सऊदी मिल्क। सऊदी मिल्क जिस तरह हम लोग डेयरी व्यवसाय करते हैं इंडिया में, दूध निकालना, दूध निकाल के डेयरी में डालना, डेयरी लेके बड़े डेयरी को डिपोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि डेयरी वाले खुद से गाय को पालन करते हैं, गाय को पालन कर उनका मिल्क निकालते हैं, मिल्क को ऑटोमेटिकली मशीन से निकाल लेते हैं, मिल्क से जो प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक, वो मार्केट में सेल होता है। ये सऊदी मिल्क का सेम प्रोसेस होता है। अलमराई, अलमराई के बारे में आप भी जानते हो, अलमराई बहुत बड़ी कंपनी है, ये छोटी मोटी नहीं, यानी कि डेयरी व्यवसाय बहुत बड़ी है। अलमराई कंपनी के पास बहुत बड़ा फार्म है, वो गाय वगैरह रखती हैं, ठीक, और उनका मिल्क निकाल के मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। बहुत अच्छा व्यवसाय है, यानी कि बहुत अच्छा इनका फील्ड है। तीसरे पर नादक, ये नादक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी मिल्क का व्यवसाय करता है। तो हम बात करते हैं ये क्या क्या मेटेरियल और क्या क्या प्रोडक्ट तैयार करके और क्या क्या हम लोग को जॉब देती है, वो मैं बात करता हूँ आपसे। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सऊदी मिल्क। सऊदी मिल्क अपना मेटेरियल प्रोडक्ट बनाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास लेबर चाहिए होता है, डॉक्टर चाहिए होता है गाय को देखने के लिए, ड्राइवर चाहिए होता है, एचआर चाहिए होता है, और बहुत सारी फैसिलिटी उनको चाहिए होती है। तो वो हायर करती है, इंडिया जाती है, रिक्वायरमेंट जाती है सऊदी मिल्क गवर्नमेंट का। तो जाने के बाद वो लेबर, लेबर की जो सैलरी होती है अप्रोक्स इसमें 1175 रियाल से लेकर 1215 रियाल तक की इनकी सैलरी होती है लेबर की। जो डॉक्टर होते हैं उनकी सैलरी तकरीबन 8000 रियाल से लेकर 15000 रियाल तक की होती है सैलरी। जो ड्राइवर होते हैं उनका बेसिक सैलरी 1500 से लेकर 1800 तक का होता है। जो सेल्समैन होते हैं उनकी सैलरी तकरीबन 1500 से लेके 1800 रुपये रियाल, 1800 रियाल तक उनकी भी होती है। इसमें कमीशन बंधा होता है कि आप कितना सेल अप कर रहे हो, ओवर टाइम लेके तकरीबन 2500 3000 के आसपास आ जाता है इन लोगों की सैलरी। अलमराई कंपनी, इसकी मैं बात कर अलमराई की, अलमराई कंपनी का आइसक्रीम, अलमराई कंपनी का अपना जूस, मिल्क प्रोडक्ट, दूध दही जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका ड्राइवर, इनका खुद का डेयरी प्लांट, इनका खुद का एचआर, इनका सब कुछ खुद का, ठीक। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी में आ रहे हो तो आप इतना जान लो, अगर आपकी सैलरी 2000 1000 रियाल है तो आप 1500 1800 रियाल तक फिक्स आप उठाओगे सैलरी। बहुत अच्छी कंपनी है। अब नादक कंपनी बात करते, ये भी डेयरी प्लांट से रिलेटिव है। ये कंपनी जो है आपको दूध, छाछ, मिठाई, बटर, चीज़, हर एक चीज़ प्रोडक्ट तैयार करती है। बहुत अच्छी कंपनी है ये। जो मैं तीन कंपनी का नाम बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप इस कंपनी में आ रहे हो तो आप इतना वाचान, आपके लाइफ पूरी सेट है। इसलिए सेट है क्योंकि इनकी जो सैलरी है ना भाई साहब, 29 से लेके 28 यानी कि 29 तारीख से लेके 28 तारीख, यानी 28 से 29, मैं दोनों तरीके से बताया आपको, 29 से 28, 28 से 29 इनकी सैलरी फिक्स है आपके अकाउंट में आ जाएगी। ओवर टाइम सब इनको जो छुट्टी मिलती है, 1 साल पे आप छुट्टी ले सकते हो या 2 साल पे कंपनी के थ्रू आप छुट्टी लेके अपने घर जा सकते हो। यहाँ पे आपको इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मिस्र, सऊदी, 7-8 स्टेट के आदमी आपको मिलेंगे। तो अधिकांश आपको बोलने में परेशानी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो होती है, जो प्लांट में जो बोला जाता है हिंदी ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे अपने हिंदी वाले आते हैं ज़्यादातर। अगर आप नेपाली से बात करो तो भी हिंदी में बात करेगा, अगर आप पाकिस्तानी से बात करो तो पोस्तो भाषा में तो बात करेगा नहीं, आपसे पंजाबी में वो हिंदी भाषा में बात करेंगे, इंडिया वाले तो लोग हिंदी भाषा में बात ही करेंगे, जहाँ तक सऊदी वाला आपसे हिंदी भाषा में बात करेगा।
ठीक, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं, इसका अच्छा रिक्वायरमेंट है, इसका अच्छा स्कोप है, आप इसमें आ सकते हो, जॉब कर सकते हो और अच्छा पैसा आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक भाई, तो ड्राइवर जो लोग हैं, जो लोग लेबर हैं, जो लोग काउ को देखने वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए आदमी हैं प्रोडक्ट लाइन, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइन में, तो इस कंपनी में रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं रिक्वायरमेंट कहाँ कर जाता है। इसका रिक्वायरमेंट मुंबई में जाता है, साउंड लाइन ऑफिस कोलावा में जस्ट ताज होटल के पीछे, इस जगह पे इनका रिक्वायरमेंट जाता है। उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट जेरी बेरिसस में जाता है, नासिर ओवरसीज में जाता है इनका रिक्वायरमेंट। आप इस जगह से आप आ सकते हो मुंबई में, और केरला में भी इसका रिक्वायरमेंट जाता है, सेम ऑफिस में जाता है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप भाई जो भाई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस कंपनी में आएँ और अपना अच्छा इनकम करें, अच्छी कंपनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और फैक्ट्स रिलेटिव में वीडियो बनाता हूँ, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन फैक्ट को। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो।